आगे और मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। टिकट कटने पर बीएसपी का दामन थाम लिया है। सुमावली से बसपा के टिकट पर अब वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव में सुमावली से उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दिया नहीं, भरोसा किया नहीं, और भरोसा जब कांग्रेस ने नहीं किया तो फिर उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। अजब सिंह कुशवाहा, कांग्रेस पार्टी ने सुमावली से दरअसल कुलदीप सिकरवार को अपना प्रत्याशी बना दिया है और इसी से नाराज होकर अब उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया है। बड़ी खबर मुरैना से आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट यहां से सामने आया है, क्योंकि अजब सिंह कुशवाहा बगावत तो कर ही चुके हैं और कह चुके हैं कि वो ताल ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उनके कार्यकर्ता तैयार है। जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो अब बसपा के साथ वो खड़े हैं। ये भी कह रहे हैं कि पूरी की पूरी मुरैना की जो 6 सीटें आती हैं, मुरैना जिले में 6 विधानसभा सीटें लगती हैं और सभी सीटों पर हराने का काम वो करने वाले हैं। कांग्रेस को कमलनाथ का दंभ तोड़ने वाले हैं, ये उन्होंने कह दिया है। और साथ ही साथ एक तरफ अपना दर्द बयां किया और कह दिया कि एक की जगह 10 रुपया मैंने खर्च किया सारे मामले निपटवाने के लिए जितने भी उन पर उनके खिलाफ मामले चल रहे थे। और साथ ही साथ अब वो ये भी कह रहे हैं, अब उन्होंने बसपा का दामन थाम भी लिया, बसपा के साथ चले गए सुमावली से। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, इतनी जल्दी अपडेट हो रहे हैं अजब सिंह कुशवाहा कि वाकई में अजब कर रहे हैं। पार्टी ने टिकट काटा, दूसरे को दिया, नाराजगी जताई, कहा 6 की 6 सीटें हरा दूंगा और साथ ही साथ अब बसपा में प्रवेश भी कर गए। देखिए, आज देर रात को जैसे ही कांग्रेस की दूसरी सूची आई थी उसमें अजब सिंह का जैसे ही टिकट कटा था तो उसके बाद से ही अजब सिंह और उनके समर्थक और समाज के कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। यही वजह थी कि सुबह से ही उनकी कार्यालय पर बैठक चल रही थी, बैठकों का दौर खत्म हुआ जैसे ही समाज और उनके कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया, जब कांग्रेस का दामन छोड़ करके दामन थाम लिया है अजब सिंह ने, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही समय में एक बड़ा बदलाव किया है कि एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी की सदस्यता ले ली। लेकिन इससे पहले भी बात की जाए तो इससे पहले कांग्रेस से पहले भाजपा में थे और भाजपा से पहले बसपा में थे, तो यानी कि एक तरीके से घर वापसी भी हुई है। लेकिन अब अजब सिंह से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं अब बसपा में ही रहूंगा और चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं वो, यानी कि अब सुमावली से मैदान में भी उतरेंगे बसपा के टिकट पर। तो ये भी बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है फोन पर चर्चा के दौरान। मान मनोबल नहीं हो रही है क्या कांग्रेस की तरफ से? मान मनोबल का दौर शुरू हुआ कि नहीं हुआ? नाराजगी जताकर कह दिया कि 6 की 6 सीटें हरा दूंगा कांग्रेस को। बिल्कुल, देखिए ये बात भी उन्होंने साफ कहा है अपने शब्दों में कि कुशवाहा समाज और हम लोग मिलकर के अब कांग्रेस की जो 6 विधानसभा सीट हैं उन्हें भी हराने का काम करेंगे, और ये 6 विधानसभा मुरैना जिले की और 2 विधानसभा श्योपुर जिले की, यानी कि लोकसभा की 8 सीटें हैं उन्हें भी हराने का काम करेंगे। और जब कमलनाथ जी या मुरैना जिले की 6 विधानसभा सीटों को हासिल नहीं कर पाते हैं तो वह सीएम बनने लायक भी नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि तुम्हारे ऊपर केस दर्ज है। यही वजह थी कि बड़े नेताओं से क्या उनकी इस फैसले के बाद कोई बात नहीं हुई है क्या? क्योंकि टिकट मिला था, काट दिया गया, दूसरे को टिकट दे दिया गया, तो कोई बात नहीं हुई कांग्रेस की तरफ से उनकी? देखिए, अजब सिंह का अभी यही कहना है कि बड़े नेताओं से संपर्क किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है, और उनका सीधा सीधा आरोप है नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और कमलनाथ जी को लेकर के, क्योंकि उन्होंने साफ जिस तरीके से उनके समर्थकों ने भी नाराजगी जताई थी तो उनमें भी जो नारेबाजी की गई थी तो कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष को लेकर के ही नारेबाजी की गई थी। तो एक बात तो साफ है कि नेता प्रतिपक्ष और कमलनाथ पर ही पूरी हंडी फोड़ी जा रही है, लेकिन अब जो जिस तरीके से कमलनाथ के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि आपके ऊपर केस दर्ज है, तो इसे लेकर के उन्होंने यह भी बात कह दी है कि जो मेरे पास केस दर्ज थे तो उनके 1 रुपए खर्च होता था, एक जगह 10 रुपया खर्चा किया उन केसों को निपटाने के लिए, ये भी वो कह रहे हैं। लेकिन इस मामले में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कुछ बात सामने आ रही है, कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है कि क्यों ऐसा हो गया, क्यों टिकट बदल दिया गया और अब बगावत का बिगुल फूंक रहे हैं कुशवाहा?
देखिए इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी से लगातार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी से संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अजब सिंह का टिकट कटा है, उस वजह से नाराज थे और सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा था। उसके बाद देखने को मिला है कि अब उन्होंने कुछ ही समय पहले केएलआरएस में एक आयोजित बसपा के कार्यक्रम में बसपा का दामन थाम लिया है। फिलहाल एक दूसरी बात ये भी निकल के सामने आ रही है, जो मुरैना विधानसभा से राकेश मावई हैं, उनका भी टिकट कट गया है, उससे वह भी नाराज हैं और उन्होंने भी न्यूज 18 से फोन पे चर्चा के दौरान कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा और ना ही चुनाव प्रचार करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको देखना ये होगा कि ये नाराज जो है इनको क्या कांग्रेस मना पाएगी। हालांकि अजब सिंह कुशवाहा ने तो बसपा का दामन थाम भी लिया, दूसरी तरफ राकेश मावई जो है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए काम नहीं करूंगा, तो क्या कांग्रेस इसको मैनेज कर पाएगी या फिर इसका नुकसान झेलती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी के लिए। और